हाँ जी, तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंट्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सॉविंग इम्प्लीमेंट, इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब आपके बचते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसके अलावा आपके बच गए हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग इम्प्लीमेंट, उसके बाद में आपका सिलेबस कम्प्लीट। चलिए शुरू करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ में। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि प्लांट प्रोटेक्शन होते क्या चीज है। तो प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो नाम से पता लग रहा है, पादप सुरक्षा। अब सुरक्षा हमें किस चीज से करनी है? उसकी सुरक्षा हमें उसकी करनी है बीमारियों से। अब बीमारियां फैलाता कौन है? बीमारियां फैलाते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट बीमारियां फैलाने के अलावा दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं क्या? हाँ जी, वो क्रॉप को खा जाते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉप में से उसका रस चूस लेते हैं, तो इस तरीके से वो नुकसान पहुंचाएंगे हमारी क्रॉप को। यानी पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर दो चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, एक हो गया आपका इंसेक्ट और दूसरी होगी आपकी डिजीज। कोई भी इंसेक्ट डिजीज नहीं फैलाता, वो इंसेक्ट क्या करता है? इंसेक्ट डिजीज कॉज नहीं करता। अब समझना मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, इंसेक्ट डिजीज फैलाता जरूर है, उसे स्प्रेड करता है, लेकिन उसे कोज कभी नहीं करता। कोज का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका कारण नहीं होता कि बीमारी होने का कारण फलाना इंसेक्ट है। इंसेक्ट हमेशा केवल वाहक का काम करेगा, उसके अतिरिक्त इंसेक्ट कुछ भी नहीं करता। डिजीज हमेशा आपके फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजों की वजह से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होगी, तो इनसे हमें पौधे को बचाना है। अब बचाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? आप सारे लोगों को पता है, इंसेक्ट को मारने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिन केमिकल्स का यूज करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड, ठीक है। फंगस को मारने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं फंजीसाइड, ठीक है। उसी तरीके से बैक्टीरिया को मारने के लिए जिनका यूज करते हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके के केमिकल्स हो गए जिनसे हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट को और फंगस या फिर किसी बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन को, ठीक है। वायरस की बात करें तो आपको मैं बता दूं, वायरस को मारा नहीं जा सकता, ठीक है। वायरस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके इंसेक्ट को रोक देना है, ठीक है। कि हम बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे? उसके संक्रमण को रोक सकते हैं। जैसे आज के टाइम अगर देखा जाए, कोरोना वायरस के टाइम में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट बीमारी ठीक नहीं कर पा रही, लेकिन वो क्या कर रही है कि हम इसका संक्रमण को कम कर देंगे। और संक्रमण को कम करने का कारण तरीका क्या अपनाया है उन्होंने कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क ना हो पाए। जैसे आप लोग दूर हो, मैं भी दूर हूँ, लेकिन फिर भी हम हमारा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ रास्ते निकाल देना। अब अगर देखा जाए तो ये चीज अपने प्लांट्स में कैसे कर सकते हैं? प्लांट्स में संक्रमण ऐसा नहीं होगा एक पौधा चल के दूसरे पौधे के पास में जाएगा। हाँ, अगर आपको अपने क्रॉप के अंदर कोई भी डिजीज प्लांट दिखाई दे रहा है, तो चाहे वो फंगल प्लांट, फंगल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो या वायरल डिजीज हो, आप क्या करोगे? आप उस प्लांट को अपने फील्ड से रिमूव कर देते हो। इस चीज को बोलते हैं रोगिंग। किसी भी अनवांटेड प्लांट को, अनवांटेड खरपतवार वगैरह की बात नहीं कर रहा, उनको भी अगर आप निकालोगे उसको भी रोगिंग की कैटेगरी में बोल देते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं, टर्म होती है इसके लिए टेक्निकली, जिसको बोलते हैं रोगिंग, ओके। दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो वायरल डिजीज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड का। क्यों? क्योंकि जितने मोस्ट ऑफ वायरल डिजीज होती है वो इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, इंसेक्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित की जाती है। तो इंसेक्ट को रोकने के लिए फिर से हमें क्या डालना पड़ेगा? इंसेक्टिसाइड। अब उन चीजों को खेत में यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए हम काम में लेते हैं स्प्रेयर। दूसरी चीज आपको एक और पता है कि हम क्या करते हैं कई बार पाउडर फॉर्म के अंदर भी, ठीक है, स्प्रेयर के अंदर तो लिक्विड होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार पाउडर फॉर्म के अंदर भी दवा का छिड़काव करते हैं। तो उसके छिड़काव करने के लिए हम जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसे कहते हैं डस्टर, ठीक है। डस्टर यानी डस्ट, ठीक है, वो गाड़ी की बात नहीं कर रहा डस्टर, ठीक है। डस्टर यानी धूल को, धुमक बोल सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो स्प्रेयर और डस्टर पड़ेंगे हम प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में। शुरू करते हैं सबसे पहले स्प्रेयर की डेफिनेशन के साथ में, कि स्प्रेयर एक ऐसी मशीन होती है जो लिक्विड केमिकल्स को, ठीक है, द्रवित रसायनों को पादपों पे प्रयोग करने के काम आती है, पेस्ट एंड डिजीज, बीमारियों एवं कीटों की रोकथाम के उद्देश्य से। या फिर आप डेफिनेशन को बोलना चाहो इस तरीके से बोल सकते हो कि स्प्रेयर एक ऐसी मशीन होती है जो बीमारियों एवं कीटों की रोकथाम के उद्देश्य से पादपों पर द्रवित रसायनों के प्रयोग करने के काम आती है, उसको स्प्रेयर कहेंगे। स्प्रेयर के साथ स्प्रेयर हर्बिसाइड अप्लाई करने के भी काम में आ सकती है। लेकिन एक चीज, हर्बिसाइड यानी वो केमिकल, वो रसायन जो हर्ब्स को मारने के काम आते हैं, आप वीडिसाइड कभी नहीं बोलोगे, आप ये टर्म कभी यूज नहीं करते। वीडिसाइड पहले यूज करते थे ये टर्म, लेकिन वीडिसाइड क्या है? रेस्ट्रिक्टेड टर्म है। वीडिसाइड का मतलब क्या हो गया? जो वीड को मारेगी। लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड टर्म है, इसका प्रॉपर सुटेबिलिटी नहीं हो रही थी। सुटेबल ना होने का कारण ये था, वीड की तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना जी,
गेहूं का पौधा भी वीड हो सकता है, ठीक है। गेहूं की फसल में अगर दूसरी वेराइटी का गेहूं का पौधा लग गया तो वो भी वीड है, ठीक है। अगर चावल की फसल में गेहूं का पौधा लग गया तो वो भी वीड है, यानी वीड तो कोई भी हो सकता है, अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा पौधा वीड हो सकता है अगर हम नहीं चाहते कि यहाँ पे उगे तो, ठीक है। इसलिए ये टर्म रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, हर्बिसाइड यानी शाकनाशी, ठीक है, हर्ब्स यानी प्लांट्स को नष्ट करने वाला या प्लांट्स को मारने वाला रसायन, ठीक है। तो हर्बिसाइड को भी काम में ले सकते हैं अपने स्प्रेयर के माध्यम से, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जो प्रैक्टिकल है। हर्बिसाइड के लिए एक जब आप स्प्रेयर यूज करोगे तो एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट हैजर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कि बाय चांस आप क्या करते हो, अब आपको देखो दो चीजों को कंट्रोल करना है, आपको एक मारनी है फंगस, ठीक है, और दूसरी क्या मारनी है इंसेक्ट, और तीसरा आपको क्या मारना है किसी पौधे को मारना है। तो देखिए सबसे पहली चीज फंगस को मारना है, तो फंगस कहीं भी हो सकती है और मोस्टली फंगस पत्तियों पर ही पाई जाती है। तो आप चाहते हो कि जो आप दवा का छिड़काव कर रहे हो पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर ले, एक चीज। आप इंसेक्ट को मारना चाहते हो तो इंसेक्ट भी जीवित है, वो भी कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाले पार्ट पे रहेगा, वो भी सॉइल में ऊपर जा सकता है, सॉरी सॉइल में नहीं प्लांट में ऊपर के पार्ट पे पाया जा सकता है, ठीक है। मक्खियां वगैरह होगी वो पत्तियों पे आके बैठती है, तो इंसेक्टिसाइड छिड़कते टाइम भी मेरा ये दिमाग में थॉट रहेगा कि पूरा का पूरा प्लांट कवर हो जाए, ठीक है। अभी मैं डीप कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिस्टमिक पॉइजन या फिर कॉन्टेक्ट पॉइजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप एंटोमोलॉजी में आईपीएम में पढ़ोगे क्या होता है सिस्टमिक पॉइजन और क्या होता है आपके कॉन्टेक्ट पॉइजन, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल एक ब्रॉड कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरी थॉट ये रहेगा कि पूरा का पूरा प्लांट कवर होना चाहिए। लेकिन जब मैं हर्बिसाइड की बात करूंगा ना, तो मेरा थॉट ये होगा कि पूरा का पूरा प्लांट कवर हो ना हो, पूरा का पूरा सॉइल कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि सॉइल कवर हो गया तो सॉइल में तो प्लांट लगते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं हर्बिसाइड की स्प्रे कर रहा हूँ और वो हवा के बूंदों के या हवा के छोटे छोटे बूंदों के साथ में हवा में उड़ जाए, ठीक है। तो जब मैं हर्बिसाइड की बौछार करूंगा तो मेरा यही सोच रहेगी कि ये जितने भी मैं दवाई का यूज कर रहा हूँ सारी दवाई मिट्टी में पड़े, वो हवा में इधर उधर ना उड़ जाए, क्योंकि जो हवा में इधर उधर उड़ जाएगी वो मेरे किसी काम नहीं आएगी, और जो हवा में इधर उधर उड़ जाती है उस चीज को बोलते हैं ड्राफ्ट हैजर्ड, जो एक्चुअली अपने काम नहीं आ पाती, हवा के कारण दूसरी जगह चली जाती है जहां आपने उसको यूज ही नहीं करना चाहते। और इस नुकसान को, ये जो नुकसान होता है, इस नुकसान को बोलते हैं ड्राफ्ट हैजर्ड, ओके। अब इसको कम करने के लिए, खरपतवार नाशी यूज करने के लिए, या फिर शाकनाशी, सॉरी खरपतवार नाशी रेस्ट्रिक्टेड टर्म है, शाकनाशी को यूज करने के लिए या हर्बिसाइड को यूज करने के लिए मैं जो नोजल काम में लेता हूँ वो नोजल होती है आपकी फ्लैट फैन नोजल। ये चीज ध्यान में रखना, गोल वाली नोजल कभी नहीं होती, फ्लैट फैन नोजल ऐसी नोजल होगी, उसके अंदर इस तरीके से बना होगा और वो बौछार जो करेगी वो बस यूज लाइन के रूप में बौछार करती है आपकी किसी भी, ठीक है। और जो सिंपल नोजल होती है वो सिंपल रहती है, सर्कुलर नोजल रहती है, उसमें से सर्कुलर रूप से निकलता रहता है। जो सिंपल नोजल तो आपने बहुत सारी देख रखी होगी, लेकिन हर्बिसाइड यूज करने के लिए जनरली फ्लैट फैन नोजल को काम में लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल भी है और ये अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट भी है। तो ये सारी बातें होगी हमारी, उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक स्प्रेयर के मेन फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए। तो स्प्रेयर के मेन फंक्शन की बात करें तो स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जो केमिकल सॉल्यूशन को क्या कर दे, अच्छे से तोड़ दे। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम एक पूरा का पूरा अगर स्प्रेयर, या मैं अगर लोकल में बोलना चाहूँ तो एक ढोलकी बोल देते हैं स्प्रेयर को जनरली, तो अगर मैं एक पूरे स्प्रेयर कंटेनर को यूज कर रहा हूँ तो पूरा दवाई से नहीं भरा होता, उसके अंदर पानी डालते हैं हम, डाइल्यूट करते हैं दवा को, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि अब ये सारी दवा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो स्प्रेयर ऐसा हो जो केमिकल सॉल्यूशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दे और इसे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दे इफेक्टिव साइज के। सेकेंड बात करेंगे तो इन ड्रॉपलेट्स को, यानी इन छोटी छोटी बूंदों को क्या करे, पूरी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या वितरण करने का काम करे यूनिफॉर्म, यानी एक समान रूप से, किसके ऊपर, पादपों के ऊपर, ठीक है। तीसरा हम आपके मेन फंक्शन रहेगा स्प्रेयर का, मुख्य कार्य रहेगा किसी भी स्प्रेयर का, कि जो केमिकल्स होंगे उनको सफिशियंट प्रेशर के साथ में भेजा जाए, ठीक है, ताकि क्या हो, पॉजिटिव रीचिंग हो प्लांट्स तक, ताकि वो पादपों तक पहुंच पाए, ओके। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना। उसके बाद में क्या होगा, रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड अप्लाइड ऑन प्लांट्स टू अवॉइड एक्सेसिव एप्लीकेशन, कि हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम क्या कर सके, कितनी मात्रा में दवा एक पौधे के ऊपर छिड़कनी है, उस चीज को रेगुलेट या नियंत्रित कर सके, ताकि ज्यादा मात्रा में हमारा दवा का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो ऑब्वियस चीज है, हमें ज्यादा मात्रा में दवा यूज करनी पड़ेगी, तो जेब पे भारी पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य कार्य होने चाहिए किसी भी स्प्रेयर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर यहाँ पे बता देता हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन उनका दे देता हूँ, बाद में हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैंड हेल्ड स्प्रेयर, यानी कि हाथ द्वारा यूज किए जाने वाले स्प्रेयर के बारे में।
तो ये बहुत कॉमन है, और आपने जनरली बार्बर शॉप पे, नाई की दुकान पे आपने इनको बहुत कॉमनली देखा होगा, ठीक है। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस नीचे एक बोतल रहती है, उसके अंदर एक नोजल पंप रहता है, जिसकी सहायता से आप जब इसे पुश करते हो तो ये क्या करता है, फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में डालता है। आगे जो इसका ये वाला पार्ट है, या फिर मैं बोलना चाहूँ ये वाला पार्ट है, इसको आप रोटेट करके उसकी डायरेक्शन, उसका साइज और प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, कि आप बड़ी ड्रॉपलेट्स लाना चाह रहे हो या पास तक कवरेज लेना चाह रहे हो या दूर तक फेंकना चाह रहे हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो नोजल को रोटेट करके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये नोजल पंप रहता है, बहुत कॉमन चीज है और ऑलमोस्ट ये घरों में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लोग घरों में कपड़े प्रेस करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी यूज करते हैं ना, नम कपड़ों पर प्रेस करना पसंद करते हैं लोग, अच्छी प्रेस होती है, तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं घरों में, उन पे भी पानी डालने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज है, आजकल तो हो सकता है किसी के घरों में सैनिटाइजर डाल के रखा हो इसमें, ठीक है। तो बहुत कॉमन चीज है। अब इसमें क्या रहेगा, ये नीचे, ये इसके अंदर सारा का सारा पंप फिटेड रहता है, ठीक है, और ये नोजल होगी आपकी, और ये नीचे आपकी पाइप जा रही है जो बोतल में जाती है। उसके बाद में ये आपका क्या हो गया, लीवर हो गया। इस लीवर को जब आप प्रेस करोगे तो प्रेस करने से यहाँ से क्या होगा, स्प्रे निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे सिंपल हैंड हेल्ड स्प्रे हो गया। नेक्स्ट एक और यहाँ पे इमेज दी गई, इसको और देख लीजिए आप, ये भी आपने बहुत कॉमन देखा होगा। इसके अंदर क्या रहता है, ऊपर ये जो लीवर दिया रहता है, इसको आपको पुश करना रहता है, इसको इस तरीके से बाहर निकल जाता है ये, और इस तरीके से हाथ से आप पुश करते हो। पुश करने की वजह से क्या होगा, अंदर हवा के कारण कंप्रेशन बन जाएगा, और कंप्रेशन बन जाने के बाद में जब आप इसे यहाँ से पुश करते हो, तो पुश करने से जब तक कंप्रेशन अंदर खत्म नहीं होगा तब तक क्या होगा, आपको मतलब बार बार हैंडल को करना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने कंप्रेस कर दिया उसे इनफ, उसके बाद में केवल आपको एक लीवर पुश करना, और पुश करने से क्या होगा, स्प्रे इंजेक्ट होता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स के हैंड स्प्रे के बारे में। नेक्स का मतलब क्या हो गया, पीछ पीठ पे, जो भी ऑपरेटर होगा वो इसे कंधे पे टांगता है, ठीक है। जैसे आपके पास बैग होता है, आप जो बैकपैक पे बोल देते हो, ठीक है, जो जनरली आप कॉलेज बैग यूज करते हो उसे आप कंधे पे टांगते हो, तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे है, उसी के कारण इसे नेक्स का हैंड स्प्रे बोल दिया गया। इसमें दो अलग अलग टाइप के आते हैं, अगर सबसे पहले मैं बात करूंगा तो ये हो गया आपका मैनुअल, ठीक है, ठीक है। मैनुअल का मतलब क्या, कि इसके अंदर आपको एक हैंड लीवर प्रेजेंट रहता है, आप यहाँ से आप इसके अंदर केमिकल डालते हो, इसके अंदर टैंक रहेगा, टैंक के अंदर ये आपके इनलेट वॉल्व रहता है, यहाँ से आपका प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होने के बाद में ये आपकी आउटलेट वॉल्व रहती है, और ये आगे फाइनली यहाँ चली जाती है। ये लीवर है, इस लीवर की सहायता से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये आगे नोजल लगा रहेगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव, आप इसे गन बोल सकते हो। उसके अलावा ये जो पार्ट रहेगा, इस पार्ट को आपको पुश करना पड़ता है, ठीक है, एक हाथ से आपको इस पार्ट को पुश करना रहेगा आगे पीछे की तरफ, ऊपर नीचे, आपको जैसे हैंडपंप नहीं करते बस वैसा ही कंसेप्ट इसके साथ रहेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। पुश करने के कारण कंप्रेशन क्रिएट होगा, और कंप्रेशन क्रिएट होने के बाद में आप यहां से यूज कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ये मैनुअल था तो थोड़ा थका देने वाला था, तो इसको थोड़ा अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, इलेक्ट्रिक बना दिया गया। सेम कंसेप्ट, सारी चीजें वही सेम, बस इसके अंदर क्या फिटेड है, बैटरी फिटेड है, तो बैटरी फिटेड होने के कारण ये लीवर इसमें से हट गया, बाकी सारी की सारी वही वो चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी हैंडगन रहेगी, ये इसका चार्जर रह गया, और यहाँ पे इसके इंडिकेटर रह गया कि बैटरी आपकी कितना चार्ज है, ओके। तो ये वही सिंपल कंसेप्ट है, और ये जो मटेरियल होगा वो मटेरियल पीवीसी का बना होता है, ठीक है, जो इसका बॉडी होती है पीवीसी की बनी होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, तो एक स्टेनलेस स्टील का बना हो गया इनमें से, और दूसरा ब्रेस यानी पीतल का बना हो गया, ठीक है। तो वो ये बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे बस, बाकी तो कंसेप्ट सिमिलर ही है, डाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं भाई, ऐसा इसलिए करते हैं कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए उनमें ये वाला काम में नहीं लेते, और कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनके साथ में रिएक्शन कर लेंगे इसलिए उनको इसमें काम में नहीं लेते, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, बाकी वही सिमिलर चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड कंप्रेशन स्प्रे के बारे में। तो जैसा मैंने आपको शुरू शुरू में यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस जगह पे कि इसको ऊपर से पंप किया जाता है, तो ये तो छोटा हो गया, बस इसी के कंसेप्ट बेस्ड ये वाला हो गया। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ऊपर ये लीवर होगा, इस लीवर बाहर आ जाएगा, इस लीवर को आपको क्या करना है, जैसे साइकिल के पंप नहीं आता हवा भरने वाला, बस उसी तरीके से इसमें आपको हवा डालनी है एक तरीके से, ठीक है। जब आप इसमें हवा डालोगे तो कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, कंप्रेशन क्रिएट होने के बाद में आप यहाँ से इसे अपने कंधे पे टांग सकते हो, कंधे पे टांगने के बाद में वही सारा सिमिलर कंसेप्ट रहेगा, ऑन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, फ्लड बाहर आएगा, ठीक है। सेकंड, इसमें जो इनलेट वॉल्व होगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया, आप इसे खोल के इसके अंदर भर सकते हो अपना स्प्रे सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं हैंड कंप्रेशन स्प्रे। सेकंड बात करेंगे अपने रोकर स्प्रे के बारे में। तो रोकर स्प्रे क्या चीज है,
रोकर स्प्रेड को अगर आप समझना चाहते हो तो इसके लिए खैर मुझे उतना कोई अच्छी कॉमन चीज तो याद नहीं आ रही, लेकिन खैर आप देख लीजिए, सिंपल है ये भी। एक इस तरीके से पैड लगा होगा, उस पे यहाँ पे क्या होगा, एक डंडा सा होगा और उसके आगे क्या लगा होगा, पिस्टन लगा होगा। पिस्टन आप अच्छे से समझते हो क्योंकि आपने इंजन वाला लेक्चर पढ़ रखा है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो लीवर होगा, इस लीवर को अब इसके लिए मुझे ना एक फनी तो क्या, एक सीरियस एक नॉर्मल लाइफ में देखे जाने वाली चीज याद आ रही है, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो जल्लाद नहीं होता वो फांसी देने के लिए क्या करता है, उसको खींचता है ना लीवर को, बस कुछ वैसे टाइप का लीवर होगा इसके अंदर। और उसी तरीके से आपको एक पैर, जल आपने किसी मूवी वगैरह में कोई सीन देखा होगा तो जल्लाद क्या करता है, एक पैर से होल्ड कर लेता है और दूसरे पैर से और पीछे की तरफ खींचता है उसे, तो बस वही कंसेप्ट है। एक फुट यहाँ पे रख के, ठीक है, और दूसरे हाथों से क्या करेंगे, इसे आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन मूवमेंट करेगा आगे पीछे, पिस्टन के मूवमेंट करने के कारण प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा। अब इसके अंदर देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे उनके पास खुद का टैंक था, रोकर स्प्रेड में खुद का टैंक नहीं होता, ठीक है। रोकर स्प्रेड में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टैंक या कोई भी कुछ भी चीज जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, स्प्रे सॉल्यूशन को मिक्स कर रखा है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस होज को अंदर डालना पड़ेगा, ये यहाँ से सक्शन क्रिएट करेगा, सक्शन क्रिएट होगा प्रेशर की वजह से, और सक्शन के कारण ये क्या करेगा, उस पानी को पंप कर लेगा, सक कर लेगा और वो आगे आउटलेट वॉल्व में यहाँ से भेज देगा और आगे सिमिलर वही कंसेप्ट है। ये इसके अंदर एक प्रेशर चैम्बर लगा रहता है। प्रेशर चैम्बर का फायदा ये होगा कि अगर आप इसे पुश करते करते थक गए हो, ठीक है, तो अब थोड़ी देर तक आप इसे बिना पुश किए भी यूज कर सकते हो क्योंकि प्रेशर चैम्बर है, उसके अंदर अभी भी प्रेशर बना हुआ है। जैसे ये जो होते हैं इनके अंदर भी प्रेशर चैम्बर होता है, तभी ये क्या कर पाते हैं कि हम इन्हें एक थोड़ी देर पंप करने के बाद में कंटिन्यू विदाउट पंपिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पेडल ऑपरेटेड पंप के बारे में। अब तक हमने जितने भी पंप पढ़े थे उनमें या तो इलेक्ट्रिक थे या फिर हमें हाथ से यूज किए जा रहे थे। यहाँ पे जो पढ़ेंगे उसको पेडल ऑपरेटेड पंप या फिर फुट ऑपरेटेड पंप बोलते हैं। यहाँ पे एक पंप पेडल रहता है या इसे हम क्या करते हैं, पैर की सहायता से पुश करते हैं, ठीक है। जैसे बाइक के अंदर ब्रेक रहता है ना, तो बस वही चीज है, बाइक के अंदर ब्रेक नीचे चला जाएगा, फिर से उसको रिलीज कर दिया, फिर से ऊपर आ गया, फिर से नीचे चला गया, फिर से ऊपर आ गया, तो वही चीज है। उस तरीके से इसे ऊपर नीचे पुश करते रहेंगे अपन पैर की सहायता से, तो इसको पुश करने के कारण ये जो पंप लगा होगा, इस पंप के अंदर कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, वो इसके अंदर ये होज जो होगी, उस होज को हमने किसी टैंक में यूज कर रखा होगा जिसमें हमने अपना सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है, और इस होज की सहायता से पंप में आएगा आपका क्या, जो भी स्प्रिंग सॉल्यूशन आपका होगा वो, और स्प्रिंग सॉल्यूशन यहाँ से आगे इनलेट वॉल्व की सहायता से भेज दिया जाएगा यहाँ पे। ये इसके आगे नोजल लगी हुई है और यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए लीवर लगा हुआ है, इसको कट ऑफ लीवर भी बोलते हैं, ओके। तो ये इनका ये कंसेप्ट हो गया। एक इसमें पेडल ऑपरेटेड पंप के बारे में आपको बता देता हूँ कि पेडल ऑपरेटेड पंप में कोई भी प्रेशर चैम्बर नहीं होता, तो आपको कंटिन्यूअस पंप करना पड़ता है। अगर आपने फुटिंग या फिर पंप करना बंद कर दिया, पेडलिंग करनी आपने बंद कर दी, फिर आपको प्रेशर रिलीज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नैप्स के पावर स्प्रेयर के बारे में। अब तक हमने जितने पढ़े थे उनके अंदर हमने ये चीज देखी थी कि या तो वो हाथ से यूज किए जा रहे थे, मैनुअल थे, या पैर से, या व्हाटएवर जो भी है, मैनुअली यूज किए जा रहे थे, या उनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई थी। लेकिन ये जो बात करेंगे, इसके अंदर क्या लगा हुआ है जी, इसके अंदर लगा हुआ है इंजन, ठीक है। ये जो नीचे आप देख पा रहे हो वो है एक इंजन, और कैसा इंजन है ये, हाई स्पीड पेट्रोल इंजन है, ये हाई स्पीड पेट्रोल इंजन है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूंगा तो 1 से लेकर के 3 हॉर्स पावर तक का इंजन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बस वही है, ये इंजन होगा, इंजन जो काम आप मैनुअली कर रहे थे, जो काम हम बिजली की सहायता से कर रहे थे, वही काम अब ईंधन की सहायता से करेंगे, पेट्रोल की सहायता से करेंगे। ये पेट्रोल स्टार्ट केरोसिन रन टाइप का इंजन रहता है, और वही सारा चीज होगा यहाँ पे, वो बॉल हो गया और ये आपके आउटलेट नोजल्स होगी, तो इनकी सहायता से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बता देता हूँ आपको, ये जो इस टाइप के इंजन होते हैं ना जिनमें हाई प्रेशर रहता है, वो कभी भी हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए काम में नहीं ली जाते, क्योंकि अगर प्रेशर हाई रहेगा तो हाई प्रेशर होने के कारण ड्राफ्ट हजार्ड होने के खतरे ज्यादा रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं हाई पावर पंप स्प्रेयर। हाई पावर पंप स्प्रेयर थोड़ा सा और ऊपर लेवल का हो गया। आप बाइक वॉश करवाने जाते हो कभी, तो वहां पे ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ किसी भी आप जगह पे बाइक वॉश करवाने जाओ, किसी अगर लोकल मैकेनिक के पास में जाओ, तो लोकल मैकेनिक के पास उतना बड़ा गैराज तो होता नहीं कि उसने सारी चीजें अलग अलग जगह पे रख रखी होगी। उसके पास तो एक शॉप होती है, उस एक शॉप में उसने सारी चीजें रख रखी है, तो हर चीज एक्सपोज रहती है हमें। तो देखना उस लोकल मैकेनिक ने एक वाटर टैंक रख रखा होगा, पानी की टंकी रख रखी होगी, और उस पानी की टंकी के अंदर उसने क्या कर रखा होगा, पाइप वगैरह की सहायता से ये हाई पावर पंप को वहां पे एडजस्ट कर रखा होगा,
और वो हमेशा इस हाई पावर पंप की सहायता से क्या करेगा, आपकी बाइक को वॉश करेगा और वो प्रेशर देखिए कितना खतरनाक प्रेशर देता है। ठीक है, तो ये हाई पावर प्रेशर पंप है और ये इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और ये आपके ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेटेड भी हो सकता है, यानी पीटीओ ऑपरेटेड भी ये हो सकता है और उसके अलावा इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, इंजन ऑपरेटेड भी ये हो सकता है। ये थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी इसलिए इसके अंदर ल्यूब्रिकेशन ऑयल टैंक भी रहता है जो इसे क्या करवाता रहता है, ल्यूब्रिकेट करवाता रहता है इसके पार्ट को ताकि घिसावट कम से कम हो। उसके बाद में बात करते हैं ट्रैक्टर माउंटेड फील्ड स्प्रेयर के बारे में। तो ट्रैक्टर माउंटेड फील्ड स्प्रेयर जनरली बहुत कॉमन है, देखने को आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि आजकल लेबर की प्रॉब्लम रहती है और लोग थोड़े से आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि कम परेशानी के साथ में ज्यादा काम हो जाए, तो ये कुछ वैसी चीज है। ठीक है, बाकी में आपको कंधे पे टांगना पड़ेगा फिर भी उनकी फील्ड कैपेसिटी कम होगी, इसकी फील्ड कैपेसिटी बहुत हाई रहेगी। ट्रैक्टर के साथ में माउंटेड हो जाता है, पीटीओ की सहायता से इसमें आपको प्रेशर डेवलप किया जाता है। और ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो जिसपे मल्टीपल नोजल्स फिटेड की गई है, ठीक है, जिनपे मल्टीपल नोजल फिट की गई है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बूम। क्या बोलते हैं? बूम। ठीक है, बूम की कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल ट्रैक्टर के साथ में यूज कर सकते हो। अगर आप सिंपल बैकपैक स्प्रेयर के साथ में भी अगर आप क्या करते हो, बूम को यूज करते हो, तो उसके आगे ये जो गन होगी आपकी, इंजेक्टर गन होगी, उसके आगे एक नोजल की जगह क्या लग जाएगा, बूम लग जाता है, जिसके अंदर जनरली तीन नोजल्स फिटेड रहती है, तो आप एक साथ तीन नोजल्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बूम आप किसी भी स्प्रेयर में लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी में लगाओगे, लेकिन वो एक अलग चीज है कि मैनुअल स्प्रेयर होगा, छोटा स्प्रेयर होगा तो उसमें छोटे साइज की बूम लग पाएगी। और बूम का काम क्या होगा, एक से ज्यादा स्प्रे, एक से ज्यादा नोजल बना देना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ट्रेलर टाइप ऑर्चार्ड स्प्रेयर को, तो यही है बस, ये इसका टैंक हो गया। ठीक है, इसके अंदर सारा फर्टिलाइजर मिक्स रहेगा और यहाँ पे ये फैन चलेगा, फैन चलेगा तो हाई कंप्रेशन डेवलप करेगा और ये आपके रहे इसके आउटलेट्स, इनकी सहायता से क्या कर दिया जाएगा, स्प्रे कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में कि एक स्प्रेयर के अंदर क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक स्प्रेयर में पंप होगा, एक केमिकल टैंक होगा, एक एगिटेटर होगा। अब एगिटेटर में यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं बताना चाह रहा क्योंकि मैंने आपको कहाँ बता दिया, मैंने सोविंग मेथड के अंदर जब मैंने आपको सोविंग इम्प्लीमेंट्स के अंदर जब मैंने आपको सीड ड्रिल मशीन बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको एगिटेटर दिखाया था कि ये होता है और उसका काम मैंने आपको बताया था कि इसका काम क्या था, बीज में क्लॉगिंग ना हो जाए, बीज रुक ना जाए, बस वही काम था। तो सिमिलर इम्प्लीमेंट है और सिमिलर टूल, सिमिलर पार्ट है, तो काम इसका वही होगा, कहीं थक्का ना जम जाए। ठीक है, कहीं रुकावट जाम ना हो जाए आपके पंप के अंदर, ऐसा ना हो कि सारी चीजें एक ही जगह पे आकर रुक जाए, तो इसका भी काम बस वही होगा, क्या करते रहना, रुकने ना देना चीजों को। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे एक एयर चैम्बर होगा, एयर चैम्बर की सहायता से हवा को प्रवेश करवाया जाएगा और ऑब्वियस है जब हवा प्रवेश करेगी तभी तो प्रेशर बनेगा ना, एक प्रेशर गेज होगा, एक प्रेशर रेगुलेटर होगा। प्रेशर रेगुलेटर की बात करेंगे तो मैनुअल में मैंने आपको दिखाया था प्रेशर रेगुलेटर क्या होगा, वॉल्व होंगी, उसके अलावा स्ट्रेनर होगा, सक्शन लाइन होगी, डिलीवरी लाइन होगी और डिलीवरी लाइन पे जस्ट आगे क्या लगी होगी, नोजल होगी। नोजल वो आपके फाइनल इंप्लीमेंट फाइनल आउटपुट पार करता है जहां से क्या होगा, कितनी दूर तक जानी चाहिए या कितनी बड़ा उसका एरिया साइज क्लियर करना चाहिए उसे, ये सारी चीजें अपने नोजल से निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेयर के बारे में। तो स्प्रेयर के टाइप की बात करेंगे तो कितनी मात्रा में वॉल्यूम यूज, कितनी मात्रा में लिक्विड यूज किया जा रहा है पर हेक्टेयर सोविंग, पर हेक्टेयर स्प्रेइंग के लिए, तो उसके आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करेंगे हाई वॉल्यूम स्प्रेयर के बारे में। ठीक है, या फिर इसे यहां से ना पढ़ के हम उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर के बारे में। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर में हम क्या करेंगे कि अगर एक हेक्टेयर एरिया में हम केवल 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर से कम मात्रा में हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं और एक हेक्टेयर एरिया हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अगर हमें एक हेक्टेयर में 5 लीटर से 400 लीटर तक दवा यूज करनी पड़ रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रेयर। अगर हमें एक हेक्टेयर में 400 लीटर से अधिक मात्रा में दवा का प्रयोग करना पड़ता है तो उस चीज को बोलते हैं हाई वॉल्यूम स्प्रेयर। तो ये इनके आधार पे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख लेना, स्प्रेइंग के आधार पे तीन प्रकार की होती है, लो वॉल्यूम स्प्रेयर, हाई वॉल्यूम स्प्रेयर 400 लीटर से ज्यादा प्रति हेक्टेयर अगर हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं उस चीज को बोलते हैं, लो वॉल्यूम स्प्रेइंग उस चीज को बोलेंगे जब 5 लीटर से लेकर 400 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए प्रयोग में आएगी दवा, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जब एक हेक्टेयर में 5 लीटर से भी कम मात्रा में हम दवा के प्रयोग से एक हेक्टेयर एरिया को स्प्रे कर देंगे तब उस चीज को बोलते हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन टेक्निक पे डिपेंड करता है, वेजिटेशन के टाइप पे डिपेंड करता है, पेस्ट के टाइप पे डिपेंड करेगा और फील्ड की अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि हम इन तीनों में से कौन से टाइप की स्प्रेइंग को यूज करेंगे। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया कर बताइए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में बात करते हैं हम किसके बारे में, हैंड एटोमाइजर के बारे में। हैंड एटोमाइजर के बारे में जब बात करेंगे तो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, वैसे तो मैं आपको ये सारे जनरल इंट्रोडक्शन में इन सब टाइप के स्प्रे का आपको दे चुका हूँ, वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंड एटोमाइजर के बारे में, तो दिखने में कुछ ऐसा रहता है, इसके ऊपर का पंप होगा वो इस तरीके का रहता है, नॉर्मली घरों में देखने को मिल जाता है। सूटेड, आदर्श रूप से ये किसके लिए सूट करता है, किस चीज़ के लिए ये आदर्श है, तो वो घरों में हम छोटे मोटे गार्डन लगाते हैं, घरों में छोटे मोटे पौधे लगाते हैं, तो वहाँ और छोटी सी जमीनों में खेती कर रहे हैं उस चीज़ के लिए सूटेबल रहता है। अगर इसके कंटेनर की बात करेंगे तो इसका कंटेनर आधे लीटर से लेकर के 3.5 लीटर कैपेसिटी तक हो सकता है। इसके अंदर पार्ट्स की बात करेंगे तो एक इनबिल्ट इसके अंदर एयर पंप रहता है, प्रेशर गेज रहता है, नोजल रहता है और फ्लो कट ऑफ लीवर रहता है। इसके बारे में बात करिए, फ्लो कट ऑफ लीवर, ठीक है। टैंक को हम इसमें 3/4 भर देते हैं इसके वॉल्यूम का, ठीक है। अब 3/4 वॉल्यूम का क्यों भरते हैं भाई, कोई बता सकता है क्या इस चीज को, कोई आप में से बता सकता है कि हम टैंक को केवल 3/4 क्यों भरेंगे, पूरा क्यों नहीं भरेंगे। उसके बाद में बात करें अगर, तो ये जो पंप होगा, अब यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखना, छोटी छोटी डिटेल्स आपको, छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना प्रेशर डेवलप किया जाता है इससे। तो इस पंप से आप केवल 0.15 से 0.3 किलोग्राम/cm² का ही प्रेशर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। बाकी दूसरी चीजें वही, जब आप फ्लो कट लीवर को प्रेस करोगे, यानी इस लीवर को प्रेस करोगे, तो फ्लड क्या होगा, नोजल की सहायता से बाहर आएगा और स्प्रेइंग आपकी कंप्लीट मान ली जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एप्लीकेशन रेट की बात करेंगे, तो 1 हेक्टेयर में आप 45 से 100 लीटर में 1 हेक्टेयर एरिया हैंड एटोमाइजर के साथ में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हैंड एटोमाइजर था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, साइकिल के पंप की तरीके से इसे ऊपर नीचे निकाल के कंप्रेशन डेवलप कर दिया जाता है। कंप्रेशन एक बार डेवलप हो जाए उसके बाद में शोल्डर पे टांग के और आप स्प्रे कर सकते हो, वो इसमें हैंड कट ऑफ लीवर होगा, उसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ से बाहर आएगा नोजल की सहायता से स्प्रेइंग मटेरियल और इसके अंदर स्प्रेइंग मटेरियल डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको भी केवल इसकी कैपेसिटी का 75-80% भरेंगे, और इसका कारण क्या होगा, वही कारण होगा जो हैंड एटोमाइजर में होगा, ठीक है। 10 से 12 लीटर इसके टैंक की कैपेसिटी होगी, फील्ड क्रॉप के लिए और लॉन वगैरह के लिए सुटेबल रहता है। प्रेशर की बात करेंगे तो 2 से लेकर के और 3.5 किलोग्राम/cm² का इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। बस ये छोटे छोटे डिटेल्स है ना, वो छोटे छोटे डिटेल्स आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है, बाकी तो वही चीजें हैं। देखो इनमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर एक स्प्रे मटेरियल होगा, एक वर्टिकल एयर पंप होगा, प्रेशर गेज होगा, फिलिंग पोर्ट होगा, स्प्रे लेंस होगा, नोजल होगा और फ्लो कंट्रोल लीवर होगा। तो इनमें कोई नई चीजें नहीं है, ये सबके अंदर कॉमन है चीजें, बस आपको ये छोटे छोटे इनमें डिफरेंस देखने हैं कि अच्छा इसके अंदर प्रेशर इतना डेवलप होगा, ओके, ठीक है। बाकी वही चीजें, जब फ्लो कट लीवर को आप प्रेस करोगे तो फ्लड आपका बाहर की तरफ आ जाएगा, स्प्रेइंग आपकी कंप्लीट मान ली जाएगी। स्प्रे इसके अंदर जो होगा वो ऑपरेटर अपने कंधे पे उठा करके चलेगा। एप्लीकेशन रेट की बात करेंगे तो 45 से लेकर के 100 लीटर प्रति हेक्टेयर दवा के साथ आप हैंड कंप्रेशन स्प्रे की सहायता से छिड़काव कर सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे नैप्स के स्प्रे के बारे में, तो ये हैंड ऑपरेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लीवर शो हो रहा है, इस लीवर को जब आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो अब ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर हवा क्रिएट होगी, तो ये पार्ट इसके अंदर स्पेशली दिया गया है इस चीज के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे अपने, ठीक है, ये लीवर रहेगा और लीवर की सहायता से क्या कर दिया जाएगा, पंप किया जाएगा इसे। अब वही चीज है, ऑपरेटर इसे अपने कंधे पे पीछे की तरफ कैरी करता है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, नैपसैक स्प्रेयर इसका नाम दे दिया गया। कैपेसिटी इसकी 10 से 15 लीटर की रहती है। इसका आकार अगर देखा जाए तो फ्लैट यानी कि चपटा रहता है, बीन शेप्ड भी रह सकता है ये टैंक, ठीक है। वही चीजें इसके अंदर, वही चीजें रहेंगी, ऑपरेट करने के लिए पंप रहेगा, एग्रीटेटर रहेगा ताकि क्या हो, क्लॉगिंग की कंडीशन ना हो, और हाइड्रोलिक पंप फिट रहता है आपके टैंक के अंदर, एक हैंडल रहता है इस चीज को चलाने के लिए, डिलीवरी होज रहती है, और उसके अलावा स्प्रे गन विद नोजल रहता है और फ्लो कट ऑफ लीवर रहता है। ये फ्लो कट ऑफ लीवर रह गया, ये आपके क्या रह गया, नोजल रह गया। टैंक जो बना होगा वो या तो ब्रेस यानी कि पित्तल से बना होगा या आपके पीवीसी मटेरियल से बना होगा। ये जो टैंक होगा वो टैंक यहाँ से ये ढक्कन खुल के और यहाँ से फिल्टर लगे रहते हैं इसके अंदर, उसके बाद में क्या होगा, अंदर डाल दिया जाता है आपका केमिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर इसके बारे में देखें तो वही चीजें, फ्लड को क्या करेगा, सक्शन होल की सहायता से, ये जो होगा उसे बोलते हैं सक्शन होल, इसकी सहायता से क्या करता है, डिलीवर करता है कहाँ में, स्प्रे गन में। आप देख सकते हो ये जो पाइपलाइन है स्प्रे गन में, यहाँ डिलीवर कर रहा है, ठीक है।
और जब आप क्या करोगे, कट ऑफ लीवर को दबाओगे तो नोजल की सहायता से क्या कर दिया जाएगा, आपके स्प्रेइंग मटेरियल बाहर निकल जाएगा और आपकी स्प्रेइंग कंप्लीट मान ली जाएगी। प्रेशर की बात करेंगे तो 3 से लेकर 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें प्रेशर डेवलप करता है। 500 लीटर प्रति हेक्टेयर इसकी वो रहती है आपकी फील्ड आपकी स्प्रेइंग कैपेसिटी। उसके बाद में बात करेंगे कवरेज के बारे में, तो इससे हम आधे हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर एरिया एक दिन में कर सकते हैं। एक दिन यहाँ पे कितने घंटे का माना जाएगा, 8 आवर्स का, एक दिन 8 घंटों का यहाँ माना जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं रोकर स्प्रेयर के बारे में, तो रोकर स्प्रेयर मैंने आपको बताया था पहले, ये जो पैडल होगा इस पैडल के आगे पीछे पुश करके आप क्या करोगे, ये पिस्टन लगा रहता है, इस पिस्टन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कनेक्शन रहा, जब आप इसे आगे पीछे पुश करोगे, इसे आगे पीछे पुश करोगे तो पिस्टन भी आगे पीछे पुश होगा, जैसे इंजन में होता है ना, बस वो सिमिलर कंसेप्ट। और यहाँ पे ये आपके प्रेशर चैम्बर होगा, इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये होज जो होगी वो किसी मटेरियल में डुबो रखी होगी जिसमें अपना सॉल्यूशन होगा, और बस ये पंप करता रहेगा, बाकी तो वही है आपके कट ऑफ लीवर रह गया, आपके नोजल रह गया, इंजेक्टर जेट रह गया, वो चीजें। रोकर स्प्रे क्या है, अब इसके अंदर खास बात क्या है, ये क्या होगा, फ्रूट ट्रीज में स्प्रे करने के लिए इसे काम में लेते हैं और चार्ज के अंदर। अब ऐसा क्यों, इसी को क्यों काम में लेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़े उनके अंदर उतना प्रेशर नहीं था कि वो हाइट, फ्रूट ट्रीज है तो उनकी तो हाइट होगी तो उतनी हाइट तक वो जा सके, उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी। इसी चीज के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या काम में लेंगे, रोकर स्प्रे काम में लेंगे, किसके अंदर, बागों के अंदर। ओके, तो इसके अंदर पिस्टन टाइप का पंप रहता है जो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट चीज इसके अंदर जो है वो पिस्टन टाइप का पंप है। उसके अलावा एक और डिफरेंट चीज जो इसके अंदर है वो है आपके ये होज जो कि बाहर की तरफ रहेगा। प्रेशर चैम्बर है जो कंटिन्यूस स्प्रेइंग के अंदर आपको हेल्प करता है, ठीक है, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, कंटिन्यूस स्प्रेइंग मदद करेगा। 14 से लेकर 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर डेवलप करता है। अब ये प्रेशर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इस ज्यादा मात्रा में प्रेशर के कारण ये फ्रूट ट्रीज पे स्प्रेइंग कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो वो ये एक केमिकल से भरा हुआ कंटेनर, एक सेपरेट केमिकल कंटेनर हम काम में लेते हैं जिसके अंदर हम सक्शन होज को रख देते हैं, ये होता है सक्शन होज, उसे हम सेपरेट कंटेनर के अंदर जिसके अंदर केमिकल होगा उसके अंदर रख देंगे, और जब पंप को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से सक कर लिया जाएगा केमिकल को, और प्रेशर चैम्बर के माध्यम से, प्रेशर चैम्बर में वो क्या होगा, हाई प्रेशर से आगे फेंका जाएगा, ठीक है, प्रेशर चैम्बर के माध्यम से वो यहाँ से निकलता हुआ नोजल से बाहर निकल जाएगा और स्प्रेइंग आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। 70 से लेकर 90 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हो अगर आप एक नोजल का प्रयोग कर रहे हो तो, ठीक है। अब वही चीज जो मैंने आपको बताई, ये जो नोजल होगा ये पार्ट हट करके इसके आगे बूम भी आप लगा सकते हो, तो मल्टीपल नोजल्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। 1.5 हेक्टेयर पर डे आपकी फील्ड कैपेसिटी होगी विद दिस काइंड ऑफ स्प्रे, और पर डे का मतलब क्या, 8 घंटे, ठीक है, तो आप 8 घंटे में इतना काम करेगा तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फूड या फिर पैडल ऑपरेटेड स्प्रे के बारे में, तो इसमें मैंने आपको बताया ये पैडल होगा, इसको आप यूज करोगे, ये पंप ऊपर नीचे पंप के अंदर लगा होगा, अंदर की तरफ एक पिस्टन टाइप लगा होगा, उसको पिस्टन यहाँ पे प्रेशर डेवलप करेगा, ये होज होगा, इसको आप एक सेपरेट कंटेनर में रखोगे, यहाँ से इनलेट वॉल्व रह गया, ये आउटलेट वॉल्व रह गया, और वो सारी चीजें कट ऑफ लीवर रह गया, नोजल रह गया। ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर आपको कांस्टेंट पैडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रेशर चैम्बर नहीं होता जिसके अंदर प्रेशर रहे थोड़े टाइम के लिए। बाकी वही चीजें हैं, प्रेशर इसका कितना रहेगा, 17 से लेकर 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर रहता है। उसके बाद में अगर और इसके बारे में कुछ चीजें देखें तो 110 से 135 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। फील्ड कैपेसिटी इसकी रहती है 1 हेक्टेयर पर दिन, प्रतिदिन 1 हेक्टेयर, एक दिन में कितने घंटे, 8 घंटे। बाकी वही चीजें सारा कुछ रिपीट करने की मेरे को नहीं लगता आवश्यकता, अगर आपको कहीं पे कोई भी आवश्यकता लगे और कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप चैट में बोल देना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेप्स के मोटराइज्ड मिस्ट चैम्बर के बारे, मिस्ट कम ब्लोअर कम डस्टर के बारे में, तो ये इसके अंदर रह गया पेट्रोल इंजन, ठीक है, और वही चीजें 1 हॉर्स पावर से लेकर 1.2 to 3 हॉर्स पावर इसके अंदर हाई स्पीड पेट्रोल इंजन लगा रहता है, ठीक है, और वही चीजें 12 लीटर का केमिकल टैंक होगा, डिलीवरी होज होगी, एयर होज होगा, और वही सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, तो कुछ खास इसमें भी अलग चीजें नहीं है। बस एक इसमें ध्यान में रखने वाली चीज है कि ये जो आपका स्प्रेयर है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके, इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके आप इसे डस्टर में भी क्रिएट बदल सकते हो। अब डस्टर में कैसे बदल दोगे, ये जो आपकी डिलीवरी पाइप लगी हुई है इस डिलीवरी पाइप को आप रिमूव करके इसकी जगह एक बड़े साइज वाला आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है, तो वही चीजें हैं कि बाय चेंजिंग फ्यू पार्ट द स्प्रेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डस्टर, इस डस्टर को आप इस स्प्रेयर को आप डस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी तो सारा वही कंसेप्ट है, वही इंजन लगा हुआ है,
सारी वही बातें। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं पावर स्प्रेयर के बारे में। तो पावर स्प्रेयर के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपको जनरली आप बाइक वॉश करवाने जाते हो वहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टेनलेस स्टील का बना रहता है और ऑयल बाथ टाइप इसके अंदर, स्टेनलेस स्टील का इसके अंदर पिस्टन रहता है और ऑयल बाथ टाइप का इसमें ल्यूब्रिकेशन रहता है। कारण ये है क्योंकि इसके अंदर 250 to 350 पाउंड का प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, 250 to 350 पाउंड्स का प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होता है। तो उसके लिए पिस्टन को बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब देखिए पिस्टन तो इससे पहले भी था, आपने कहाँ पढ़ा, आपने रोकर स्प्रेयर के अंदर पिस्टन पढ़ा, पेडल स्प्रेयर के अंदर पिस्टन आपने देखा, तो वहाँ पे हम ल्यूब्रिकेशन नहीं काम में ले रहे, क्योंकि पैर से कितना फुट कर दोगे यार, पैर से आप कितना पंप कर दोगे, ठीक है। यूँ तो आप जो पंप यूज़ करते हो उसके अंदर भी तो पिस्टन रहता ही है, तो उसके अंदर उतनी घिसावट का सीन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि कितना आप यूज़ कर लोगे पैर से और हाथ से, उतनी मात्रा में स्पीड से नहीं कर पाओगे। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक है, ये तो बहुत स्पीड से काम करेगा, स्पीड से काम करेगा तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए आपको ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ऑयल बाथ टाइप का ल्यूब्रिकेशन सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। तीन इसके अंदर पंप लगे रहते हैं, अभी ध्यान में रखना, ठीक है, 1, 2, 1, 3, ये आपके इनलेट हो गए और ये आपके आउटलेट हो गए, ओके। उसके बाद में 3 horsepower का इंजन इसमें लगा रहता है, या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ये यानी डीजल पेट्रोल इंजन भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। जनरली इलेक्ट्रिक देखने को मिलती है, इंजन वाले कम ही काम में लेते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। और बाकी तो वही चीज़ें आप इसे ट्रैक्टर पीटीओ की सहायता से भी काम में ले सकते हो, या फिर आप इसे पावर टिलर के साथ में जोड़कर भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ आपके स्प्रेयर कंप्लीट होते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया कर बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अपने डस्टर के बारे में। स्प्रेयर हमने पढ़ लिया, डस्टर क्या होगा, स्प्रेयर क्या काम करेगा, लिक्विड को स्प्रे करने का काम करेगा। डस्टर क्या काम करेगा, डस्टर पाउडरी सॉल्यूशन जो होगा उसको स्प्रे करने का काम करेगा, ठीक है। तो डस्टर एक ऐसी मशीन होती है जो केमिकल्स को डस्ट फॉर्म में अप्लाई करने के काम में आती है। वो ये इसके अंदर एक एयर स्ट्रीम लगा होगा जिसकी सहायता से हवा के साथ में मिक्स करके उसे उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। डस्टर के अगर पार्ट्स की बात करेंगे तो एक होपर लगा रहेगा। होपर मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से समझने लगे, होपर का मतलब एक ऐसी जगह, एक खाली कंटेनर को एक होपर बोला जाता है, बस और कुछ नहीं है होपर। आपने होपर टर्म से परिचय एक तो आपने ले लिया वाटर कूलिंग सिस्टम में, वाटर कूलिंग सिस्टम में जो फर्स्ट था वो होपर वाला ही था। सेकेंड उसके बाद में आपने पढ़ लिया होपर सीड ड्रिल मशीन में, जो फर्टिलाइजर टैंक या सीड टैंक होते हैं उनको होपर बोलते हैं। थर्ड आप यहाँ पे होपर पढ़ रहे हो जहाँ पे हम क्या डालेंगे, डस्ट को डालेंगे, सॉरी जहाँ पे एयर रहती है। उसके बाद में बात करेंगे फीड कंट्रोल के बारे में, फीड डिलीवरी नोजल के बारे में और एग्रीटेटर के बारे में। एग्रीटेटर का काम आप सीड ड्रिल मशीन में आप पढ़ चुके हो कि एग्रीटेटर क्या काम करेगा, क्लॉगिंग नहीं होने देगा, ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी एग्जिट पोर्ट होगा वहाँ पे कोई जमाव हो जाए, क्योंकि वही है ना, थोड़ी थोड़ी देर में केमिकल्स जो उनको जगह मिलती रहेगी उस जगह को एडजस्ट करने के बाद में क्या करेंगे, अगर वो फिट हो गए वहाँ पे, सेटल हो गए वहाँ पे, तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर देंगे, इसलिए एग्रीटेटर उनको सेटल नहीं होने देता। नेक्स्ट बात करेंगे फैन या फिर ब्लोअर के ब्लोअर के बारे में। तो फैन या ब्लोअर का क्या काम करेगा, हवा को ऐड करने का काम करेगा इनका। डस्टर के टाइप्स की बात करेंगे तो जनरली 4 टाइप के होते हैं, प्लंगर टाइप होता है, नेफ्थ टाइप होता है, रोटरी टाइप होता है, पावर ऑपरेटेड डस्टर रहता है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्लंगर टाइप के बारे में बात करेंगे तो मैं सिंपली बता देता हूँ, इसके अंदर आगे की तरफ हमने डस्ट को डाल दिया, पीछे की तरफ से हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हवा ऐड कर रहे हैं। पिस्टन टाइप है, इसके अंदर पीछे हवा ऐड कर रहे हैं और हवा ऐड हो रही है तो इनके साथ मिक्स होकर के डस्ट की सहायता से बाहर जा रहे हैं, पाउडरी डस्ट की सहायता से बाहर जा रही है, ठीक है। तो एक सिंपल डस्टर है, एक स्मॉल पिस्टन के साथ में, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पीछे से आप इसे पुश करते हो तो हवा इसके अंदर प्रवेश करती है और जितना आगे जो आपसे दे दिया गया यहाँ पे ये पोर्ट, इस पोर्ट में से जितनी डस्ट निकल पाती है उस उतनी मात्रा में हवा के साथ में उसका छिड़काव हो जाता है। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी वेजिटेबल गार्डन आपने लगा रखा है और वहाँ पे आप डस्टिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए सुटेबल है, बड़ी फील्ड के लिए उतना सुटेबल नहीं है। उसके बाद में नेफ्थ टाइप की बात करेंगे तो जो आपने अभी पढ़ा उसी का छोटा भाई है ये। इसके अंदर क्या होगा, बस आपको कंधे पे टांगने की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाकी सारा सीन वही रहेगा जो आपने इससे पहले देखा है। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल है नहीं, बस वही कंधे पे टांगने वाला सिस्टम दे दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोटरी डस्टर के बारे में। रोटरी डस्टर के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये जो नोब होगा इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट का मतलब क्या होता है, घुमाना। वहां पे घुमाना नहीं था, वहां पे तो पुश करना था, आगे पीछे की तरफ पुश करना था, यहाँ पे आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है, तो रोटेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो रोटरी डस्टर में कुछ भी नहीं, सिंपल इसके अंदर आपको कंटेनर दे दिया गया, कंटेनर में आपको एक ब्लोअर दे दिया गया, आप इसे घुमाओगे तो वो ब्लोअर फैन प्रोड्यूस, हवा प्रोड्यूस करेगा। हवा लेगा कहाँ से, उसके लिए ये दे दिया गया, नहीं डिजाइन नहीं है ये, हवा इसके अंदर जाने के लिए दी गई जगह। तो ये क्या करेगा,
हवा प्रोड्यूस करेगा, और हवा प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ से इसके आगे हम ये पाइप्स लगा देंगे, वहां से क्या होगा डस्टिंग यूज कर ली जाएगी सारे के सारे आपके फील्ड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वाइट पॉपुलर है। इसके अगर दूसरा हम मॉडल देखना चाहें, एक और इसके अंदर बेल्ट रहता है, ये बेल्ट रहते हैं, इनको आगे की तरफ टांग लिया जाता है, सीने पे इनको टांग लिया जाता है, और ये वाला हिस्सा आगे रहेगा, ऑपरेटर चलता रहेगा साथ साथ इसे घुमाता रहेगा। पीछे टांगेंगे तो ये कन्वीनियंट नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें रोटेट करना पड़ेगा, पीछे आप कैसे रोटेट करोगे, इसलिए आगे की तरफ टांग लिया जाता है, यहाँ पे बॉडी पे टांग लिया जाता है और इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं, और इसका जो फ्रंट होगा वो फ्रंट आगे की तरफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बारे में, इसके दूसरे मॉडल के बारे में। तो ये कंधे पे टांग लिया जाएगा, यहाँ पे ये बेल्ट दे दिया गया, कंधे पे टांग लिया, पीछे की तरफ आपको ये रहेगा, आगे यहाँ पे रोटेट करने के लिए हैंडल प्रोवाइड रहेगा, ये जो अटैचमेंट होगा वो यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, इस पाइप के सहायता से क्या होगा आगे की तरफ भेज दिया जाएगा, यहाँ से हवा सक्शन क्रिएट हवा क्रिएट होगी, फैन लगा होगा यहाँ पे। ऐसा कोई उपकरण ना मैंने अपने दादाजी के पास में देखा था, उसके अंदर क्या था, ये आपके ये वाला पार्ट तो उनमें नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से वो चूल्हा जलाने के काम आने वाला एपरेटस था, उसके अंदर बाकी सारा सीन यही था, रोटेट करने वाला और सारा चीज था, लेकिन वो केवल हवा को फेंकता था, जैसे हम चूल्हे में हवा फूंक मारते ना, तो वो चीज थी। ये क्या काम करता है, वो हवा फेंक रहा था, उसके अंदर डस्टर नहीं लगा हुआ था, लेकिन बस वही चीज थी और बस यही है। तो इसके बारे में पढ़ लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, तो देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए देन मेरे से पूछना। उसके बाद में बात करते हैं पावर ऑपरेटेड डस्टर के बारे में। तो ये आपकी फाइनल स्लाइड है इस टॉपिक की, पावर ऑपरेटेड डस्टर के बारे में बात करेंगे। तो वही चीज है, यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया जी इंजन, कितने हॉर्स पावर का, 1 से लेकर 3 हॉर्स पावर तक का इंजन लगा रहता है, ठीक है। कौन सा इंजन रहता है, हाई स्पीड पेट्रोल इंजन रहता है, केरोसिन रन टाइप इंजन रहता है। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे डस्टिंग मटेरियल डाल दिया जाएगा और यहाँ से ये बड़े साइज का होज, आउटलेट होज लगा होगा, जो डस्ट को बाहर फेंकने का काम करेगा। तो ये जो है ना, वो खेतों के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बाकी की एफिशिएंसी उतनी नहीं है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और जो आपके मिस्ट ब्लोअर था, ठीक है, जो आपके इंजन वाला स्प्रेयर होता है, उस स्प्रेयर में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके, यानी उसके जो स्प्रेयर खरीदोगे तो उसके साथ में क्या करती है, ठीक है, तो वहां पे आप ये वाले पार्ट अटैच करके, ये जो पार्ट होते हैं इन पार्ट को आप अटैच करके, उसके अंदर छोटी पतली नली लगी रहती है, तो उन नली को आप हटा करके ये पार्ट अटैच करके आप उसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर्स ऑपरेटेड डस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, किस चीज को, पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर को। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा, इस लेक्चर से संबंधित कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए। हाँ जी, तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में आज आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इक्विपमेंट। इसके अंदर जो उपकरण हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग करने के काम आएंगे, तो सबसे पहले जानते हैं हार्वेस्टिंग होती क्या चीज है। हाँ जी, हार्वेस्टिंग के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो हार्वेस्टिंग किस चीज को कहते हैं, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग, काटने को, पिकिंग, चुनने को और प्लकिंग। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत क्या है, या फिर डिगिंग, या फिर आप कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन जिसकी सहायता से आप या तो पूरे के पूरे पौधे को पृथक कर रहे हो, या फिर आप केवल उसके एडिबल पार्ट को क्रॉप से पृथक कर रहे हो, उस चीज को क्या बोलते हैं, वो भी जमीन के ऊपर से भी हो सकता है, जमीन के नीचे से भी हो सकता है, उस चीज को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अब देखो, वीट को काटते हैं, कॉटन की चुगाई करते हैं, ठीक है, उसके अलावा आलू की खुदाई करते हैं, और उसके अलावा कोई और क्रॉप होगी, जैसे वेजिटेबल क्रॉप की बात करें तो उनमें तुड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हार्वेस्टिंग सारी चीजें आती है कि कोई क्रॉप है, उस क्रॉप में से आप कोई भी इकोनॉमिकल पार्ट को सेपरेट कर रहे हो अपने यूज के लिए, तो वो सारी की सारी चीज किसके अंदर आ जाएगी, हार्वेस्टिंग में आ जाएगी। वो जमीन के नीचे से भी हो सकती है, जमीन के ऊपर से भी हो सकती है। रूट क्रॉप्स में सारी आपको पता है जमीन के नीचे से खुदाई होती है। तो हार्वेस्टिंग के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होगी आपकी स्लाइसिंग और दूसरी होगी टेयरिंग एक्शन, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग मैन्युअली की जा सकती है, किसी एनिमल ड्रोन इम्प्लीमेंट के साथ में की जा सकती है, या फिर किसी मैकेनिकल या किसी यांत्रिक मशीन के द्वारा भी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सिकल के बारे में, बात करें जिसे शायद हिंदी में हसिया कहते हैं, ठीक है, और आपके लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं दांती, ठीक है। दांती इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दांत पाए जाते हैं, ठीक है। दांत का मतलब क्या, बस वही इस तरीके से स्ट्रक्चर पाई जाती है, बस वही दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, सिकल एक मैनुअली ऑपरेटेड हार्वेस्टिंग टूल है, जिसे इन क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए काम में लेते हैं। दो पार्ट से मिलकर बना होगा, एक मेटेलिक पार्ट होगा और एक वुडन का पार्ट होगा। वुडन का पार्ट होता है वो हैंडल रहता है, और मेटेलिक पार्ट होगा जो आपके हार्वेस्टिंग करने के काम आएगा। अगर देखा जाए तो सिकल दो टाइप की रहती है, एक होती है प्लेन टाइप की और दूसरी होती है सीरेटेड। प्लेन ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, धारदार तो ये होगी लेकिन उसके अंदर कोई भी दांते नहीं होंगे, कोई टूथ नहीं होंगे उसमें। और सीरेटेड ये होगी जिसके अंदर क्या होंगे, दांते होंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आप इमेज में जूम करके देखोगे तो ये जो है ये सीरेटेड टाइप की है और ये जो है वो प्लेन टाइप की है। ओके, तो उसके बाद में बात करते हैं अपने जो प्लेन टाइप की होती है उसके अंदर स्मूथिंग होगी और शार्प रहती है, तीखी रहती है, और जो आपके सीरेटेड टाइप की रहती है उसके अंदर टीथ रहते हैं। इसी के कारण इसे लोकली नाम क्या दे दिया गया, दांती। ठीक है, जनरली अपने यही देखने को मिलती है, ये वाली कमी देखने को मिलती है अपने। उसके अलावा बात करें तो ये जो हिस्सा होगा इसका अंदर वाला हिस्सा जो रहता है, हंसिया का अंदर वाला हिस्सा जो रहता है वो काम में आता है आपकी किस चीज के कटिंग करने के, और ये जो इसका लास्ट एंड है वो काम में आता है हैंडल के साथ में यूज करने में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टैंग कहते हैं। इसके साथ अगर आप हार्वेस्टिंग करोगे तो वो बहुत स्लो होगी और इसके अंदर आपको लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने वर्टिकल कन्वेयर रिपर के बारे में, जो या तो सेल्फ प्रोपेल्ड हो, सेल्फ ऑपरेटेड हो सकती है या फिर ट्रैक्टर माउंटेड हो सकती है। ठीक है, ट्रैक्टर माउंटेड में ये ऐसा सीन रहता है, ये ट्रैक्टर हो गया और ट्रैक्टर के जनरली आगे हम अटैच करते हैं रिपर को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल आगे कर सकते हो, आप ट्रैक्टर के पीछे भी अटैच कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस के आधार पे आगे अटैच करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की थोड़ी लाइनिंग दिखाई दे रही है उनको कहते हैं क्या, कन्वेयर बेल्ट कहते हैं इनको, जिनका काम क्या होगा, फसल को आगे की तरफ लेकर के जाना। ये जो रिपर अटैच होती है वो रिपर दो पार्ट से अटैच होती है ट्रैक्टर के, एक तो लिफ्ट से, अब मैं केवल लिफ्ट बोल रहा हूँ, लिफ्ट बोलते हैं आप ये समझ लेना, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, दूसरा ये अटैच होती है किस चीज से, पीटीओ से। ठीक है, पावर ट्रांसओवर से, ओके पावर टेक ऑफ यूनिट से। तो लिफ्ट का काम क्या होगा, रिपर को ऊपर और नीचे उठाना, और पीटीओ का काम क्या होगा, राउंड करना, जिसकी सहायता से क्या होगा, ये सारा का सारा ये फैन बेल्ट भी आगे की तरफ घूमेंगे, ये भी आगे की तरफ घूमेंगे, और इसके अंदर जो ब्लेड लगी है ब्लेड भी आगे की तरफ घूमेंगी। मोटा मोटा अगर इसका कंसेप्ट बताऊं तो आपके पास ट्रिमर है ना, ट्रिमर क्या होता है, ट्रिमर किसी को अगर नहीं पता ट्रिमर क्या होता है, तो शेविंग मशीन, अब तो पता है शेविंग मशीन में जो दांते लगे रहते हैं वो दांते किस तरीके से काम करते हैं, आप देखना शेविंग मशीन को ऑन करके, वो दांते बस एक दूसरे के यू यू करते रहेंगे, उनके अंदर धार होती है, शार्प होते हैं वो, उसी शार्पनेस की वजह से आपके बाल कट जाते हैं। तो जिस तरीके से शेविंग मशीन आपके बाल काटती है उसी तरीके से रिपर मशीन पौधों को काटती है। अब यहाँ पे सवाल जो उठता है वो सवाल उठता है कि जी लिफ्ट तो ट्रैक्टर में पीछे होता है और पीटीओ भी ट्रैक्टर में पीछे होता है, रिपर आपने आगे लगा दी तो लिफ्ट और पीटीओ से कैसे अटैच होगा, तो ट्रैक्टर के पीछे से यूनिट सब अटैच होती है स्पेशल। आप देखना कभी हार्वेस्टिंग हो रही हो आपके आसपास के एरिया में, आप रिपर जब पर्सनली देखने जाओगे, जब आप रिपर देखने जाओगे ठीक है, उस टाइम आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अच्छा रिपर इस तरीके से अटैच करते हैं ट्रैक्टर के पीछे। तो ट्रैक्टर के पीछे जो लिफ्ट से मैकेनिज्म होगा उस लिफ्ट मैकेनिज्म के ट्रैक्टर के नीचे से अटैच किया जाता है, पीटीओ को भी उसी तरीके से अटैच किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिपर आपकी ऑपरेट करती है। बाकी मैं नेक्स्ट इमेज में आपको और बताता हूँ रिपर के बारे में कुछ बातें, देख लेते हैं। पैडी और वीट की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के काम आती है, जनरली आपके फ्रंट माउंटेड रहती है ट्रैक्टर के ऊपर और इसे ऊपर नीचे किया जाता है हाइड्रोलिक कंट्रोल या फिर लिफ्ट की सहायता से। पीटीओ से ये पावर्ड रहता है, पीटीओ जब टर्न करेगा, राउंड रोटेटरी मोशन करेगा तो आपके रिपर पे वर्क करेगी। ठीक है, क्रॉप जो होगी वो स्टार व्हील, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया स्टार व्हील, अब इन चीजों को आपको समझना है। कल मैंने आपको जब इंटरकल्चरल ऑपरेशंस पढ़ाया तो वहां पे मैंने दो टाइप के ड्राईलैंड वीडर बताए, एक कौन सा था स्टारलैंड स्टार व्हील वीडर और दूसरा कौन सा था पैग टाइप वीडर। तो स्टार व्हील और पैग व्हील के अंदर फर्क क्या था, स्टार व्हील के अंदर बस वही स्टार के आकार का क्या था, व्हील लगा हुआ था और वो सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल था, जबकि जो पैग व्हील था उसके अंदर सुइयां टाइप लगी हुई थी, केल टाइप लगी हुई थी जो क्ले सॉइल के लिए सुटेबल था। तो वही चीज है, यहाँ पे स्टार व्हील लगा होगा और कहाँ लगा होगा, ये आप अगर इस इमेज में देख पा रहे हो तो ये स्टार व्हील है, ये क्या है स्टार व्हील है, इसके नीचे ये जो लोहे वाला पार्ट है उसके नीचे स्टार व्हील है। आपको इस इमेज में क्लियर नहीं दिखाई देगा, नेक्स्ट इमेज में आ जाएगा आपको समझ में। ओके, तो स्टार व्हील के द्वारा क्रॉप को गाइड किया जाता है। ओके, उसके अलावा बात करेंगे तो क्रॉप को एक साइड से दूसरी साइड, यहाँ से उधर कौन लेके जाएगा, ये जो कन्वेयर बेल्ट लगा रहेगा वो भी आप नेक्स्ट इमेज में और क्लियरली देख पाओगे, वो आपको क्रॉप को साइड लेकर के जाने का काम करेगा। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 0.4 टू 0.6 हेक्टेयर पर आवर, यानी एक घंटे में आधा हेक्टेयर, यानी दो बीघे जमीन को ये क्या कर देता है, हार्वेस्ट कर देता है, दो बीघे जमीन की वीट या फिर पैडी की क्रॉप को हार्वेस्ट कर देता है ये, या तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड हो सकते हैं या फिर ये ट्रैक्टर माउंटेड भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे पावर टिलर ऑपरेटेड रिपर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो स्टार व्हील है वो बहुत प्रॉपर देख पा रहे हो आप, ठीक है, जो ये ए बी सी डी और ये इनके नीचे आप देखोगे तो स्टार व्हील आपको बहुत प्रॉपर दिख पा रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपको स्टार व्हील दिख पा रहा है। स्टार व्हील मूवमेंट करेगा तो इसके मूवमेंट करने के कारण क्या होगा,
आप आगे की तरफ जाएगी, दूसरा कन्वीनियंट बेल्ट की सहायता से आगे की तरफ जाएगी, तीसरा आप यहाँ पे ब्लेड्स देख पा रहे हो इसमें, ठीक है। तो ये जो ब्लेड होगी वो हार्वेस्ट करने का काम करेगी जमीन से 1-1.5 फुट छोड़ करके, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितनी ऊंचाई से काट रहे हो वैसे तो, लेकिन रिपर की सहायता से जमीन के बहुत पास से आप काट सकते हो बीट को, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिपर की सहायता से हार्वेस्टिंग करते हैं, कंबाइन की सहायता से हार्वेस्टिंग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि कंबाइन में वो कहते हैं तूड़ी कम बनती है जी। क्यों बनती है? क्योंकि कंबाइन थोड़ा सा ऊपर से काटती है क्रॉप को, रिपर बिल्कुल जमीन के पास से काटती है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रहता है डिस्टेंस। तो बस वही चीजें, पावर टिलर के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, पावर टिलर ऑपरेटेड, ठीक है। अगर इसके विड्थ की बात करेंगे तो कटर बार की विड्थ इसमें 100 से लेकर के 160 सेंटीमीटर तक रहती है इसके अंदर पावर टिलर में। ये पावर टिलर वाली है, रिपर के बारे में, पावर टिलर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ पे, जितने भी इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो लिखी गई है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड के बारे में है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ट्रैक्टर वाली रिपर बड़ी होगी, पावर टिलर वाली रिपर छोटी होगी। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 0.25 टू 0.35 हेक्टेयर ही कर पाएगा एक घंटे में, यानी उसके कंपेरिजन में बिल्कुल आधा, बस सिंपल रहो। उसके बाद में बात करते हैं पोटेटो हार्वेस्टर के बारे में। तो आलू कहाँ लगते हैं भाई? जमीन के नीचे लगते हैं। तो मैं इन स्लाइड में तो बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आलू होते क्या है, सॉरी पोटेटो हार्वेस्टर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो यू मानो ये आपकी पोटेटो की फील्ड है, इस साइड नहीं देखना, इस साइड नहीं देखना, यहाँ देखना है कि ये आपकी पोटेटो की फील्ड है। इस पोटेटो के फील्ड के अंदर आपको आपको चलाना है पोटेटो हार्वेस्टर। आपने क्या किया, ट्रैक्टर लिया और ट्रैक्टर के साथ में पोटेटो हार्वेस्टर जोड़ लिया। तो आगे से पोटेटो हार्वेस्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा, पीछे से पोटेटो हार्वेस्टर कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम पहले चलते हैं जी आगे से कैसा दिखेगा उसकी तरफ। तो आगे इसके अंदर नुकीले ब्लेड जैसे स्ट्रक्चर लगी रहती है। अब ये अलग अलग मॉडल में, अलग अलग कंपनी का आप खरीदोगे, अलग अलग टाइप के इसमें लगे रहते हैं। किसी में शो आपके ये भी लगे रहते हैं, ठीक है, आपके जो कल्टीवेटर में लगे रहते हैं जो शॉवल वैसे भी लगे रहते हैं, किसी में डिस्क टाइप में लगे रहते हैं, लेकिन जनरली यही है, नुकीले इस तरीके के लगे रहेंगे ब्लेड टाइप में। ये क्या होगा, आप हाइड्रोलिक की सहायता से क्या करोगे, इसको जमीन में धसा दोगे, ठीक है। क्या कर दिया, ट्रैक्टर के साथ में आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट को नीचे किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसमें अटैच हो गई, 3 पॉइंट लिंकेज रह गया। जब आप इसे जमीन में धसा दोगे तो जमीन में धसाने के बाद में ये जो ब्लेड होगी वो सोइल में इंसर्ट हो जाएगी। डिस्टर्ब हो गया क्या बाहर पंपों से? हाँ, तो ये जो ब्लेड होगी वो ब्लेड सोइल में इंसर्ट हो जाएगी। जब ये ब्लेड सोइल में इंसर्ट हो जाएगी और आप ट्रैक्टर को आगे की तरफ चलाओगे तो जो आलू आपके सोइल में लगे हुए हैं वो आलू क्या होंगे, यहाँ पे होंगे और ये आलू इसके साथ ऊपर की तरफ उठा लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लेड सोइल में चल रही है ना। तो यहाँ जो आलू उठा लिए जाएंगे वो ऑब्वियस मिट्टी के साथ उठेंगे, तो अब इस बेल्ट पे पहुंचाए जाएंगे और ये जो बेल्ट होगा वो बेल्ट पीटीओ की सहायता से घुमाया जाएगा, पीटीओ की सहायता से टर्न किया जाएगा। अब आप इस इमेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे पीटीओ कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको दे दिया गया। इस इमेज में अब चलते हैं अपने, तो यहाँ से पीटीओ इस तरीके से आ रही है और इसको घुमाने का काम कर रही है। इसको घुमाने का काम करेगी तो घुमाने से क्या होगा कि आलू जो ऊपर नीचे उछल देगा, एक पूरे उस पर शेक करेगा, उस पर हिलाया जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसके हिलाने के कारण क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो उससे काफी हद तक सेपरेट हो जाएगी। फिर भी आप मार्केट में परचेज करने जाओगे तो नए आलू पे मिट्टी रहती है, आपको पता है, ठीक है, नए आलू पे मिट्टी थोड़ी थोड़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, पुराने पे मिट्टी झड़बड़ जाती है, इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, मिट्टी सेपरेट हो जाती है, लेकिन नए आलू पे आपको जनरली मिट्टी देखने को मिलती है। तो वही है, काफी मात्रा में मिट्टी यहाँ से हटा दी जाएगी और मिट्टी हटाने के बाद में कुछ मशीन ऐसी होती है जिनके पीछे एक और लगा रहता है पार्ट सा, जिसके अंदर ये आलू आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से आप चाहो तो बैग वैग भर लो उनके। कुछ मशीन ऐसी होती है जिनके अंदर ये फील्ड पे कर दी जाती है, यहाँ से आप हाथ से उठा लो और इस तरीके से बैग्स भर लो अपने, वो अलग अलग मॉडल में अलग अलग सीन रहता है। तो होपफुली आप समझ गए पोटेटो हार्वेस्टर किस तरीके से काम करता है। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया पोटेटो हार्वेस्टर में, आजकल इम्प्रूव्ड टेक्निक्स भी आ गई तो सेल्फ प्रोपेल्ड पोटेटो हार्वेस्टर भी आने लग गए, लेकिन अपने इंडिया में कम काम में लेते हैं, ठीक है। उनके अलावा पोटेटो हार्वेस्टर आजकल ऐसे भी आने लग गए जिनके अंदर रोटेटरी टिलर का यूज करने लग गए, ठीक है, वो जो रोटेटरी टिलर होगा वो रोटेटरी टिलर रोटेट करके आलू को खोदने का काम करेगा और बाकी मैकेनिज्म जनरली यही रहता है। अब चलते हैं अपने पोटेटो हार्वेस्टर की स्लाइड पे। यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ये जो पोटेटो डिगर है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एक माउंट मशीन की तरह काम करेगा, किसके साथ में, ट्रैक्टर के साथ में। ये पोटेटो हार्वेस्टर जनरली अपने नॉर्थन स्टेट के अंदर पोटेटो को हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अपने वाली जो स्टेट होगी ना उनके अंदर। द मशीन यूजेस कन्वेंशनल डिगिंग, ये क्या करेगा, डिगिंग ब्लेड होगी इसके अंदर,
हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो पोटेटो हार्वेस्टर होगा उसके अंदर जो डिगिंग ब्लेड लगी रहेगी, ये डिगिंग ब्लेड क्या करेगी, सोयल के अंदर इंसर्ट करेगी। मशीन इन डिगिंग ब्लेड का यूज करता है और बाद में शेकर कन्वेयर की सहायता से जो स्टील रोड्स का बना होगा उसकी सहायता से शेक किया जाएगा जो आलू और जो मिट्टी का होगा उसको। मिट्टी नीचे की तरफ गिर जाएगी, आलू ऊपर रह जाएंगे। और कुछ मशीन के अंदर क्या रहेगा, कुछ मशीन के अंदर क्या लगा रहता है, बैग लगे रहते हैं, ये यहाँ पे तो बोल दिया गया। कुछ मशीन के अंदर बैग लगे रहते हैं और कुछ मशीन के अंदर यूं फील्ड पे डाल दिया जाता है। लेकिन आजकल अगर इम्प्रूव्ड मशीन देखेंगे तो सब मशीन के अंदर पीछे का सीन रहेगा जहाँ पे आलू को स्टोर किया जाए, क्योंकि मेहनत तो फिर से वही होगी ना। इस मशीन ने केवल खोदने का काम किया, चुनना तो खुद को पड़ेगा, तो फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये मशीन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कमर्शियल स्केल पे आलू की खेती करोगे फिर आप आलू खोद खोद के निकालोगे ना तो परेशान हो जाओगे। वैसे भी अगर आपको पता ना हो तो वेजिटेबल फार्मिंग के अंदर बहुत बंदा बिजी रहता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं थ्रेसिंग के बारे में कि व्हाट इज थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग तो हमने समझ लिया, थ्रेसिंग क्या चीज है भैया? तो थ्रेसिंग क्या चीज है, थ्रेसर एक ऐसा मशीन होता है जो दानों को फसल से पृथक करने का काम करेगा बिना ज्यादा नुकसान किए, ठीक है, बिना दानों का ज्यादा नुकसान किए। थ्रेसिंग के दौरान हमें ध्यान में रखने वाली बात क्या होती है कि हमें जो दानों का नुकसान है वो कम से कम होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ किन किन चीजों में दानों का नुकसान कम होना चाहिए, ब्रोकन ग्रेन कि दाने टूट ना जाए, पहली चीज। दूसरी चीज अनथ्रेस्ड ग्रेन कि ऐसे ना हो कि बहुत सारे दाने बिना थ्रेसिंग के रह गए। ब्लो ग्रेन ऐसा ना हो कि कोई दाने बहुत दूर फेंक के मार दिए, ठीक है। स्प्लिट ग्रेन का मतलब क्या, ढेरी है आपकी यूनिफॉर्म नहीं बन रही है, कहीं तो आधे दाने कहीं जा रहे हैं आधे दाने कहीं जा रहे हैं, तो ये चीजें उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दाने टूटे फूटे होंगे तो क्या होगा, दाने टूटे फूटे होने के कारण आपको पता है कि कोई भी बीमारी कहीं पे भी घुसेगी, कोई भी इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं पे घुसना होगा तो वो सबसे पहले वो जगह तलाशता है जो जगह क्या हो, डैमेज्ड होती हो। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे वही चीजें हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उन्होंने ये ग्रेन लॉस का जो दिया है वो क्या हो गया, आपके 5% से कम आपके जो दाने हैं उनका ग्रेन लॉस नहीं होना चाहिए। आपको थ्रेसर जो बनाना है वो ऐसा बनाना है जिसमें ग्रेन लॉस 5% हो, ठीक है, जिनके अंदर इस 5% का 2% टूटे हुए दाने हो सकते हैं। क्लीन साफ सुथरे बिना टूटे हुए दाने अगर होंगे तो उनका मार्केट रेट आपको अच्छा मिलेगा और दूसरे उनके स्टोरेज लाइफ भी ज्यादा होगी। ये स्टोरेज लाइफ क्यों ज्यादा होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे मल्टी क्रॉप थ्रेसर के बारे में, तो ये आपके सामने मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ट्रैक्टर से अटैच हो जाते हैं हुक से, नीचे पीटीओ की सहायता से इसे टर्न किया जाएगा। जब ये आपके रोटेट करेगा तो इसके रोटेट करने से फैन बेल्ट यहाँ पे लगाए तो ये रोटेट करेगा। ये जो आपको बड़े बड़े ड्रम टाइप के दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर क्या लगे रहते हैं, कटिंग ब्लेड लगी रहती है इनके अंदर जो बहुत शार्प होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या लगी रहती है, कटिंग ब्लेड लगी रहती है। उसके अलावा ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर भी शाफ्ट लगी रहती है। और ये सारा का सारा जो थ्रेसर होता है वो इन्हीं रोटेटरी मोशन के कारण क्या करेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लाइक, सबसे पहले तो फसल को अंदर की तरफ खींचेगा, एक फैन बेल्ट लगा रहता है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ एक फसल को डालने के लिए एक फैन बेल्ट टाइप लगा रहता है जो क्रॉप को अंदर की तरफ लेगा। फिर कटर की सहायता से क्रॉप को काटा जाएगा। क्रॉप को काटा जाने के बाद में क्या होगा, उसके जो दाने होंगे उनको ऊपर नीचे किया जाएगा जिसकी सहायता से उसके छिलके वगैरह भी पृथक हो जाएंगे। फिर भूसे को एक साइड में फेंक दिया जाएगा, उसके लिए भी क्या लगा होता है, फैन लगा रहता है, उसके लिए भी पंखा लगा रहता है, उसके लिए भी जो पंखा किसकी सहायता से चलेगा वो पीटीओ पावर की सहायता से चलेगा। सारा कुछ पंखा क्या करेगा, सेपरेट कर देगा जो हल्की चीजें होंगी। भूसे का वजन तो बीज के वजन से कम ही होगा ना, तो बीज और उनको अलग कर दिया जाएगा। फिर एक छलनी टाइप लगी होगी जो बहुत शेक कर रही होगी, जैसे आपने पोटेटो हार्वेस्टर में देखा उसी टाइप की एक छलनी टाइप लगी रहती है, वो शेक करती रहेगी। और उसके शेक करने के कारण क्या होगा, कंकड़ पत्थर वगैरह इस टाइप की या फिर कोई और हल्की चीजें रह जाएगी उसमें, तो वो भी पृथक कर दी जाएंगी। फिर एक साइड आपके भूसे का ढेर लगा दिया जाएगा और एक साइड आपके दानों का ढेर लगा दिया जाएगा। तो ये आपका मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। और उसके बाद में बात करते हैं अपने कंबाइन मशीन के बारे में। तो कंबाइन मशीन दिखने में कुछ ऐसी रहती है, डेफिनेटली आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी कंबाइन मशीन देखी होगी। कंबाइन के नाम से पता लग रहा है, कंबाइन अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये नाम से पता लग रहा है कि व्हाट इज कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंबाइन या फिर दो को एक कर देना। तो यहाँ पे इसने क्या काम कर दिया, इसने तीन काम को एक साथ कर दिया। एक तो इसने कर दिया जी रीपर का काम। रीपर का काम क्या था, केवल हार्वेस्ट करने का। दूसरा इसने कर दिया थ्रेसर का काम। थ्रेसर का काम क्या था, दानों को क्रॉप से पृथक करने का। और तीसरा इसने कर दिया विनोवर का काम। अब ये विनोवर क्या चीज होती है, विनोवर वो उपकरण होता है जो उपकरण दानों के छिलकों को पृथक करने का काम करे। बताइए समझ में, दानों से छिलकों को पृथक करने का, वीट छिलके में रहता है ना, उसको भी अगर छिलके से पृथक करने, विनोवर बोलते हैं उस चीज को, या विनोविंग बोलते हैं।
जनरली जो मैंने आपको मल्टी क्रॉप थ्रेसर बताया वो थ्रेसर और विनोवर दोनों का काम करते हैं, लेकिन ये इसके अंदर तीनों ही चीजें आ गई ठीक कंबाइन में। तो ये इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करेगी, खड़ी फसल को काटता भी है, खड़ी फसल को काटने के बाद में फीडिंग यूनिट से उस क्रॉप को थ्रेस भी करता है, यानी थ्रेसिंग भी करता है, उसकी थ्रेसिंग यूनिट तक पहुंचाता है ठीक है। फीडिंग काटने के बाद में जो रिपर थी आपकी वो काटने के बाद में फील्ड पे छोड़ देती है, कुछ रिपर बाइंडर भी आती है उनके अंदर क्या रहता है बाइंड करके फील्ड पे छोड़ देती है, लेकिन ये क्या करेगा काटने के बाद में अपनी इस रील की सहायता से आगे पहुंचाएगा आपके कहां थ्रेसिंग यूनिट में, जहां क्रॉप को थ्रेस किया जाएगा यानी उसे दाने पृथक किए जाएंगे, फिर इन दानों को साफ भी किया जाएगा और साफ करने के बाद में इन दानों को अलग कंटेनर में क्या किया जाएगा कलेक्ट भी किया जाएगा। तो इतने सारे काम कंबाइन करती है, उसके अलावा ये वो भी बनाती है भूसा भी बनाती है, लेकिन उसका तो नुकसान ही होता है वो मान लो कंबाइन में। कंबाइन के टाइप की बात करेंगे तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप कंबाइन भी रहती है, जनरली आप यही देखते हो सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप कंबाइन, यहाँ आप जो देख रहे हो वो सेल्फ प्रोपेल्ड है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होगा, इसके अंदर खुद का इंजन होगा, इसे किसी से जोड़ना नहीं पड़ेगा ठीक है। तो वही बातें हो गई सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप कंबाइन, जिसके अंदर क्या होगा पवन डिपेंडेंट इंजन, यानी खुद का आत्मनिर्भर इंजन होता है इसके अंदर, जो इंजन इसे सारे के सारे कामों के लिए पावर प्रदान करता है, वो चाहे खींचने का काम हो या फिर कंबाइन के वजन को खींचने का काम हो या फिर कंबाइन के सारे मैकेनिज्म को ऑपरेट करने का काम हो। साइज की बात करेंगे तो 2 से 4 मीटर तक इसका साइज वेरी करता है। पीटीओ ड्राउन टाइप की बात करेंगे तो ये वो टाइप की कंबाइन होती है जो ट्रैक्टर के द्वारा खींची जाती है और ट्रैक्टर के द्वारा पीटीओ शाफ्ट की सहायता से क्या करते हैं अपने पावर टेक ऑफ शाफ्ट की सहायता से क्या करते हैं पावर प्रदान करते हैं कंबाइन को। तो ये आपका टॉपिक था हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बारे में, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। यहाँ आपका इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है ठीक है। बाकी अगर कुछ भी रह गया हो, कोई टॉपिक अगर रह गया हो अपने से या कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।